अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर खैर से। तभी आज की सुबह का आगाज़ माशाल्लाह से हो चुका है, ठंड है काफ़ी और कल रात से ही यहाँ पर लाइट का इशू चल रहा है क्योंकि एक ट्रांसफार्मर जो है ना उसका इशू बन गया। मेरे ख्याल है वो ट्रांसफार्मर से जब इन्होंने लोड शेडिंग की थी उस वक्त वो जल चुका था, तो शायद इस वजह से हुआ होगा क्योंकि जब बिजली आप छोड़ते हैं पीछे से तो कोई ना कोई धमाका ज़रूर होता है। ट्रांसफार्मर इशू इस वजह से लाइट नहीं थी कल रात को, अंधेरे में हो रहा था सब कुछ, तो यही बस इशू है। कल रात से कंप्लेंट करी, सुबह आए वापडा वाले, उनको थोड़ा वो आपको पता है यहाँ का काम ऐसा होता नहीं है, फिर कंप्लेंट कराई। कंप्लेंट कराने के बाद सुबह आए वो टीम वर्क करके गई, उन्होंने कहा भाई ट्रांसफार्मर का इशू है जो कि पुराना था, इस वजह से इशू होता है। खैर एनीवे, अब देखो आज के तारीख में इंशाल्लाह बन जाए ताकि सारे जगमगाती हुई शादी जो है ना होती रहे इंशाल्लाह। फिर आज की अपडेट यही है। खैर जो भी अपडेट होगा वो देते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहेगा आज जो है ना, तो जो भी अपडेट होगा वो देते रहेंगे। इस बार हमने अभी जाना है, इस वक्त आज थोड़ा बकार के जो है ना सेटअप देखना है क्योंकि वहाँ का हम थोड़ा सा डेकोरेट शन में चेंजेस ला रहे हैं थोड़ी सी हल्की फुल्की, और वो भी दिखाते हैं वो क्या ला रहे हैं इंशाल्लाह। और जो भी अपडेट होगी आपको दे देंगे, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। तो माशाल्लाह से सुबह देखें, चेक करें कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन और ठंडी और साथ में हरियाली, चेक करें माशाल्लाह हर जगह हरियाली, हल्की हल्की फॉग। और अभी मैं इलेक्ट्रिशियन आए थे जो कि वापडा की तरफ से थे, यहाँ की बिजली मैंने जो वापडा कर रही है कराची में करती है, तो उनको थोड़ा पेमेंट्स वगैरह करानी थी वो कराई और वो चले गए वापस। तो अभी चलते चाचू के घर वापस क्योंकि वो तो चले गए, उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर इंशाल्लाह चेंज होगा, अब लेट्स सी कब होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर थोड़ा पुराना था इस वजह से वो ख़राब हुआ है, तो अभी वो ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे, काफ़ी पुराना ट्रांसफार्मर था। चलें लेट्स सी कब तक होता है, चलते हैं। अभी वकार की कॉल आई थी, कोई काम देख रहे हैं थोड़े बहुत, तो वहाँ से होकर हम यहाँ जा रहे हैं दोबारा। जब भी हमारे जुम्मे मौज अदा करने, सबसे पहले सब भाइयों बहनों को जुम्मा मुबारक, और जुम्मे का मुबारक दिन आज, तो तमाम लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं कि खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको खुश और नसीब करें। और आपसे उम्मीद करते हैं आप भी दुआ करते हो, तो जुम्मा नमाज़ अदा करते हैं, मुबारक दिन है, जुम्मा पढ़ते हैं। और एक इशू जो लाइट का था वो मैंने हल कर दिया 70%, बाकी 30% रह गया, वो मेरी बात चल रही है उनसे डिपार्टमेंट से, इंशाल्लाह पूरे एरिया में बिजली आ जाएगी दोबारा। मेरी कोशिश यही आज शाम तक आ जाए इंशाल्लाह, वरना ये काम 3-4 दिन का था कि वो 3-4 दिन बाद ही होगा। खैर एनीवे अभी चलते जुमा पढ़ते हैं, नमाज कायम हो गई, जुमा के बाद बाकी सारी बातें थोड़ी देर बाद। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ही पढ़ लिए और अभी शेव वगैरह भी करवा लिए भाई ने, मतलब मशीन वगैरह लगाइए, खत वत करवाइए, और अभी जा रहे हैं घर क्योंकि मेरा मुसलसल रात तो चल रहा है उन वापडा वालों से और उनके रिगार्डिंग बिजली के हवाले से कि पूरे इलाके में बिजली नहीं है, डिस्टर्ब हुआ है, तो मुसलसल रात तो चल रहा है। ये कहानी मंडे तक जारी थी लेकिन मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह आज की आज करने की। खैर फिलहाल वो जो ट्रांसफार्मर अपना ले गए जो कि ख़राब हो गया, अब दूसरा ट्रांसफार्मर की कोशिश की जाएगी या उसी को रिपेयर किया जाएगा या उसी को रिपोर्ट किया जाएगा, अब लेट्स सी क्या क्या करते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल तो बिजली का सिचुएशन अभी हल हो रहा है, अभी मैंने नमाज भी पढ़ ली, अभी चलते हैं घर। और अलिशा के लिए मैंने थोड़ा समोसे ले लिए, उनकी कज़ने मिलकर सब मेरे कपड़े थोड़ी बेचारी, उनके लिए मैंने समोसे लिए गरम गरम, उनको देते हैं चल के ताकि वो खा लें, सिबले ठंडे हो जाए। तो अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं। अल्लाह से हमने बात की थी माशाल्लाह से 1, 2 और ये 3, यहाँ पर 3 लाइटें लग गई हैं जो कि हमारे यहाँ पर लाइट का इशू भी रिजॉल्व हो गया, और ये 4। बट अब ये है कि पूरे इलाके की लाइट नहीं क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जल गया था, उसको लेके गए हैं क्योंकि वो शॉर्ट कोई ऐसा हुआ है सीन कि ट्रांसफार्मर जल गया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी एक हमने लाइटिंग लगा दी है, अब आ रहे हैं स्टेज वाले इंशाल्लाह, छोटा सा एक हम सेटिंग करें, आ रहे हैं वो सामान लेके यहाँ सेटिंग करेंगे, यहाँ पर कनाते लगेंगी। अभी हमने चाय बन गई है तो अभी चाचू आवाज़ दे रहे कि भाई आमिर आओ खाना खा लो, चाय पियो, आपने जैसे बाहर थे सुबह से ही मैं लगाऊँ कि बिजली पूरे इलाके की गई हुई है जिस ट्रांसफार्मर जलने की वजह से, तो पूरे इलाके की बिजली भी आ जाए और हमारे ये सिस्टम भी रोशन हो जाए, ये ज़रूरी है शादी सर पर। जी चाचू चाय चाय ला रहे हैं, तो चाचू कह रहे चाय पियोगे, तो चाय अभी आ गई हमारी। अभी लाइटिंग तो होगी माशाल्लाह से, अब बिजली नहीं है लेकिन उसके लिए पूरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला आज हम ये करा रहे हैं, अदरवाइज़ ईयर क्लोजिंग चल रही है उनकी और ईयर एंड है, ये कहानी मंडे तक जाएगी और बहुत इशू जाएगा, पूरे इलाके में लाइट नहीं है मंडे तक, लेकिन पूरी कोशिश हमारी इंशाल्लाह ये आज होके रहेगा। एक लाइट नहीं जल रही है कनेक्शन में, बचड़े में कदम भी देख रहा है तो उसका कनेक्शन शायद गलत हो गया, वो सही कर रहे हैं। ये एक लाइट नहीं चल रही थी, ये भी जल जाएगी इंशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत किस्म की अभी लाइटिंग होगी यहाँ पर। अगर ये उसका इशू ना होता ट्रांसफार्मर का तो सारा घर रोशन बहुत तेज़ी से हो रहा था। ये भी लगा चुके हैं सामने वॉल पे, आप देख रहे होंगे खाली लगा जा रहा है, वो लाइटें जल नहीं रही, उसका भी कनेक्शन करवा लिया हमने, बट वो आपको पता है जनरेटर चल रहा है, अभी कितना चलेगा देखते हैं। इसका पेट्रोल भी और ले आएंगे, 5-6 लीटर में ले आए और भी ले आएंगे, फिलहाल इसको जलाते हैं पहले। जी मेरी चाची ने और उन्होंने मंगवाई थी मिठाई, वो आ चुकी है,
और अपने कज़न के हैंडओवर करते हैं और ये माचिस बिठा लिए, बाहर जल्दी आग लगाते हैं उनके लिए, उनको ठंड लगी बेचारों को। और जनरेटर चल रहा है, आप देख सकते हैं जनरेटर की रोशनी दिखाते हैं आपको, ये देखिए सारी लाइटें जल गई हैं माशाल्लाह से, घर चमकने लगे दोबारा से। लेकिन वो बिजली का काम नहीं हो सका क्योंकि उसमें ताखीर हो गई है। अब मैं अपना फ़ोन लेता हूँ, देखता हूँ, तो अभी चलते हैं मालूम करते हैं कि उसका क्या बना जो बिजली वाले आ रहे थे बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आग लगा रहे हैं इनके लिए ताकि इनको थोड़ी सी ठंड में आए बेचारे, तो अभी माचिस ले लीजिए, इसको आग लगाते हैं, फिलहाल मिठाई हैंड ओवर करते हैं। भाई मचान जलाएगी ये ताकि सब अपने हाथ सेके। और ये भाई ढोल वाले भी आ गए हमारे माशाल्लाह से, हैं दोबारा से आ गए, आज फंक्शन के लिए आए माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह जी भाई जी ज़रूर। तो ये सारे अभी यहाँ पर अपने हाथ सेकने आए हैं और ये मचान जली है अपने ठंड के लिए ताकि जो लेबर काम करी वो भी हाथ सेकेंगे यहाँ पर माशाल्लाह से। तो अभी इसके बाद चाय भी बनी इनके लिए, चाय भी बनवा रहे हैं और ये जब आएंगे भी चाय भी दी जाएगी। ये लाइट नहीं जल रही थी अभी यहाँ पर, इसका कनेक्शन किया जा रहा है, इसकी वायर छूटी हुई थी, ये जलाएंगे, पूरा घर रोशन हो जाएगा इसके बाद ये एक लाइट जलने के बाद। देखें किस तरह लाइटिंग हुई है, आप देखें खूबसूरत रोशनी। अब ये भी उधर सामने वॉल पे भी हमने खाली थी उसके ऊपर भी वो लगवा ली हमने लाइटें इस तरह की, बट ये है कि वो खाली थी इसलिए लगा चुके हैं। अब वो जली नहीं क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं हुआ और जनरेटर सारा लोड उठा रहा है माशाल्लाह से, पूरा घर चला रहा है, सारे अपनी वायरिंग चार्ज भी कर रहे हैं मोबाइल वगैरह, घर की रोशनी भी होगी और साथ में ये स्टेज भी लगेगा, इसकी भी रोशनी होगी। बट ये है कि जनरेटर का इंतजाम हो गया, 5 से 6 लीटर मिले हैं, बाकी और भी अगर पेट्रोल चाहिए वो ले आऊँगा, गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं अभी, तो सारे काम निपटा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चाय बनी, चाय पीते हैं फिर गाड़ी पार्क करते हैं। ये भाई अभी आए हैं इलेक्ट्रिशियन, ये चार्ज कर, ये माशाल्लाह से लाइट ये भी जल गई, जल गई माशाल्लाह, अब ये लाइट भी जल गई, पूरी रोशनी होगी खूबसूरत किस्म की। यहाँ भी हम आके रुक गए और कज़न भी खड़े हुए हैं। भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ आपके साथ था? बस हो गया ना, रक्षा खराब हो गया हमारा सामान, इतना सामान लेकर आए लोड करके बेचारे। ये हमने अभी सजाने के लिए सामान मंगाया था और यहाँ पर आने के बाद इन भाइयों का एक बड़ा नुकसान हो गया, ये बड़े बड़े फटे आए सब, ये देखें रक्षे का जो ना फ्रेम टूट गया बेचारों का। अब फ्रेम टूटने की वजह से रक्षा देखें कैसे टेढ़ा खड़ा हुआ है। और ये यहीं पर सामान हमें रोकना पड़ा, अब मैं गाड़ी पे आई हूँ कज़न को लेने के लिए, अभी किसी को बुलाया, ये देखें धस गया पूरा टूट के। ये अब जो है ना सामान के लिए एक और बंदे को बुलाया, वो ट्राली ला कर आ जाए, वरना रक्षा तो बिल्कुल आधा आधा हो गया बेचारों का, इतना लोड था जो बेचारे सर्दी में आए हैं इतने दूर से, उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह खैर करके अभी ये सामान तो आ गया है पर बेचारा का नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, यानी बाइक का फ्रेम टूटना बहुत, रक्षा का फ्रेम टूटना मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। अब ये रक्षा चलने के काबिल भी नहीं है, अभी लाइट से ये सामान उतार दें हम यहाँ पर, लाइट चालू करो। तो भाई अभी ये दूसरा रक्षा है और दूसरे रक्षे में लोड करवा रहे हैं सारा सामान, कुर्सियाँ, और ये अभी दूसरे रक्षे में जाएगा। और ये भाई लोड कर रहे हैं सारे सामान जा रहे हैं ठंड में। खैर ये रक्षा तो बिल्कुल डैमेज हो गया, चलिए अजाने भी हो रहे हैं, चल के नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये माशाल्लाह से अभी जो है ना ये सारा स्टेज का सामान भी रख लिया इन्होंने और कुर्सियाँ भी रख दी हैं, और ये दूसरे रक्षा में लोड करने के बाद अभी रस्सियाँ लग रही हैं, और रस्सी लगने के बाद अभी हम बैठते हैं गाड़ी में, कज़न मेरे साथ बैठे हैं और ये भाई साथ चलेंगे और सेट कर देंगे। तो अभी चलते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम स्लो स्लो लेके चलते हैं घर की तरफ। और जनरेटर भी आ गया, लाइट नहीं मर सकी तो जनरेटर का हमने इंतजाम कर दिया ताकि रोशनी हो सके घर में, जो खुशियाँ होती हैं तो उसके लिए जब आप रात में जागे वगैरह करते हैं तो उसमें लाइट होना ज़रूरी है। तो आज हमारी तरफ से फंक्शन है जागे, तो अब ये मुसीबत आ गई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये दूसरा रक्षा आ गया, अभी इनको लेके चलते हैं, बट इसका लाइट फ्यूज़ है तो ये मेरी गाड़ी को फॉलो करेंगे। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी और ताकि सामान सेट करेंगे, ये भी ठंडे और बेचारे जल्दी से फ्री हो जाए। ये रक्षा जी है, इसका ये बुरा हाल हुआ है, ये टूट गया बिल्कुल। ये हमने लाइट लगवाई जो कि यहाँ पर रोशनी देगी और यहीं पर हम स्टेज लगवा रहे हैं माशाल्लाह से, ये स्टेज तैयार हो रहा है। और जब तक वो रक्षा दूसरा जो ख़राब हो गया था उसको सेट करवा, उसको दूसरे रक्षे पर लोड करवा के जा रहे हैं, तब तक आएंगे उसके बाद ये सेट करेंगे। लाइटें लगवा चुके हैं माशाल्लाह खूबसूरत और पूरा रोशनी यहाँ आएगा। अभी रात में एक छोटा सा हमारा माशाल्लाह से एक फंक्शन है जो कि स्टार्ट होने लगा है, सबसे पहले ये कर ले सेटिंग उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो भाई बहुत शदीद किस्म की ठंड हो रही, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो गए और इस ठंडी रात में हम आए हैं। एक्चुअली मैंने जनरेटर के लिए 5 लीटर से 6 लीटर पेट्रोल रखा था जो कि सारी लाइटें जलाने की वजह से 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो गया। फिर से पंप पे आए और भाई से ले रहे हैं हम अभी तकरीबन 6 लीटर और ले लिए और 1.5 लीटर ये 7.5, इसमें जितना कितना आता है 1.5 लीटर इसमें डालें और ये 1.5 लीटर इसके अंदर आ जाएगा। तो ये टोटल अभी हमने 7.5 लीटर और ले लिए ताकि रात के जो फंक्शन और पूरा हो जाए, क्योंकि जनरेटर भी चला सब कुछ
और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है सुबह के अंदर ये जो इशू है लाइट का ये रिजॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। मेरा कज़न भी आ रहा है भावलपुर से, विल सी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। खैर अभी फ़िलहाल पेट्रोल का इशू चल रहा है और पेट्रोल लेके हम जा रहे हैं घर की तरफ और दोबारा से जनरेटर ऑन करेंगे और दोबारा से फंक्शन स्टार्ट होगा। हाँ तो फंक्शन अटेंड कीजिएगा मेरे साथ, ज़रूर इंजॉय करिएगा, बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए ये रहा इसका फ्रंट साइड जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी अंदर से जल के दिखाते हैं, अभी सॉन्ग है ना इसलिए मैं अभी थोड़ा सा वीडियो बंद कर रही हूँ। और ये देखिए ये घर से अंदर का इसका लुक ऐसा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी जनरेटर चला हुआ है, इसका बहुत शोर है। आप यहाँ से देखें अभी जागा भी शुरू होने वाला है जी। यहाँ पर अभी जागा शुरू हो चुका है, ढोल वाले आ गए और ये लाइट्स हैं जो कि चल गई हैं। ये लाइट से भी जल गई और अली बार आप पीछे अपना झुमर कर रहे हैं, झुमर वाला चल रही है और अभी गेस्ट आने वाले हैं। तो ये जो है लाइट खूबसूरत से चल रही है और ऊपर की लाइट्स मैंने आधे से कनेक्शन खोल दिए हैं, जब जाके लगा दूंगा तो खुद ऑन हो जाएंगी। तो मैंने इसलिए हटा दिए कि ये अभी जनरेटर पेट्रोल ज़्यादा ना पिए जितना यूज़ में है अच्छा है। तो जैसे ही बाकी बारात आ जाएगी इसके बाद जो है ना हम ये लाइट्स भी ऑन कर दीजिए जो आपको पता है यहाँ रंग बिरंगी जल रही थी। और पेट्रोल भी ला के रख दी मैंने एक्स्ट्रा, हमें लग रहा है शायद जनरेटर का कोई तार निकल गया इस वजह से ऑफ हुआ था पेट्रोल, शायद इतना नहीं पैक पे दो घंटे में 5 लीटर जनरेटर नहीं पीता है। तो अभी अम्मी आवाज़ दे रही है चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं ये सारी लाइटें। वकार को जला के भी दिखा दी हैं, वकार अभी जो है ना बाहर खड़ा होता तो यहाँ की भी लाइटें मैंने सारी ऑफ़ कर दी। तो जब दिल करेगा मैं ऑन कर दूँगा जब ये रात आ जाएगी, सिर्फ टोकरियाँ जल रही हैं। फिलहाल चलते हैं अंदर, अम्मी आवाज़ दे रही थी, उनसे पूछते हैं कोई काम है तो, क्योंकि अभी ढोल वाले खामोश हो गए इसका मतलब कोई काम आ गया। चलते हैं अंदर जी। तो भाई अभी जो है ना वकार साहब अंदर जा रहे हैं अंदर से और अभी यहाँ पर चेक करें मछले, खूबसूरत स्टेज लगा है और अभी लेडीज़ डिपार्टमेंट आ रही हैं जो कि अभी फंक्शन स्टार्ट होने लगा है हमारा भी माशाल्लाह से। दूल्हे साहब भी आ रहे हैं साथ साथ। सारी लेडीज जगह लेके आ गई है मशाला से, जगह शुरू हो गया। और अभी जरा मेरे साथ जाएगा लेट ही जाइए। ये होता है जी जागे में दूल्हे की तरफ से, ये होता है जागे की तरफ से। वकार भी गौर से देख रहे हैं क्या हो रहा है। और अभी एंट्री हो रही है मानो जी, तो ये हमारे गेस्ट आ गए हैं। आप क्या समझते हैं खैर अभी जो है एंट्री हो रही गेस्ट की।